Hello students and welcome back to Business Studies class. Today we are going to see another topic of chapter 7, that is Maslow's need hierarchy theory. In this topic we are going to see a theory given by Maslow. यहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो. उन्होंने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी बेस्ड ऑन मोटिवेशन. तो मोटिवेशन के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आता है तो उसकी क्या क्या नीड्स रहती हैं और वो जैसे जैसे अपनी नीड्स फुलफिल करता रहता है वैसे वैसे वो आगे अपनी नीड्स के ऊपर शिफ्ट होता है. यहाँ पे पहली जो नीड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका पहला आपका एम्प्लॉय है जो पहली नीड लेके आता है वो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स. अब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स बेटा ये बोलती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एम्प्लॉय है वो ये चाहता है कि उसकी जो तीन बेसिक नीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. वो ये चाहता है कि उसकी ये तीन बेसिक नीड्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होती रहे. तो जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉय आता है तो वो ये चाहता है कि तीन बेसिक नीड्स उसकी हमेशा फुलफिल रहनी चाहिए. वो कौन कौन सी है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स ये बोलता है कि यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय की तीन बेसिक नीड्स होती है और हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जो ये तीन बेसिक नीड्स चाहिए तो मेरी फुलफिल होनी ही चाहिए. और ये फुलफिल कैसे होती है, मॉनेटरी इंसेंटिव से. जब आप अपने एम्प्लॉय को पैसे देते हो, मॉनेटरी इंसेंटिव देते हो, तब आपका एम्प्लॉय क्या करता है, ये नीड्स फुलफिल करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती है, जैसे ही उसकी ये नीड पूरी होती है उसके बाद वो नेक्स्ट नीड के ऊपर शिफ्ट करता है और वो कौन सी नीड है आपकी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. अब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड क्या बोलता है कि आपके आपका एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, मेरा जो फ्यूचर है मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, मेरी जो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है ये आगे फ्यूचर में भी चलती रहे, मेरी जो जॉब है वो सिक्योर रहनी चाहिए. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इसको आप जो है इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एम्प्लॉय की एक तो होती है फिजिकल नीड और एक होती है इकोनॉमिक. तो यहाँ पे उन्होंने फिजिकल नीड में क्या बोला कि अगर आपका एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, इलनेस, बीमार पड़ जाए तो उसका इंश्योरेंस कंपनी करवाए तो उससे क्या होगा, वो जो पर्सन है उस चीज से रिकवर हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं लगेंगे, उसके पास इंश्योरेंस होगा. उसके बाद इकोनॉमिक नीड के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक नीड ये बोलती है कि जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है आपका एम्प्लॉय ये चाहता है कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहे. भाई जो तीन बेसिक नीड्स हैं, ये जो तीन बेसिक नीड है हर कोई चाहता है कि फ्यूचर में भी उसको ये सारी चीज़ें मिलती रहे. भाई ये तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, ये हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए. उसके बाद जैसे ही वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फुलफिल करता है वो नेक्स्ट अपनी नीड के ऊपर आता है सोशल नीड. सोशल नीड्स का मतलब है कि यहाँ पे वो ये चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स बने, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स बने, वो फ्रेंडशिप डेवलप करे, लोगों के साथ बात करे, लोग उसके फ्रेंड्स बने. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉय ये चाहता है कि सब लोग उसके फ्रेंड्स बने, सब उससे बात करें. उसके लिए मैनेजर क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर कंडक्ट करता है टीम वर्क. जब आप लोग एक टीम के अंदर काम करते हो, जब बहुत सारे लोग एक टीम के अंदर काम करते हैं तब सब फ्रेंड्स बन जाते हैं. इसके लिए आप लोगों ने बोला है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, टीम वर्क देना चाहिए. साथ ही साथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स होने चाहिए, मतलब पार्टीज होती हैं, इवेंट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ऐसी चीज़ें मैनेजर कंडक्ट करता रहे ताकि लोग एक दूसरे को जाने. उसके बाद जैसे ही उसकी सोशल नीड पूरी होगी वो अपनी नेक्स्ट नीड के ऊपर आ जाएगा, एस्टीम नीड. अब ये एस्टीम नीड का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट. आपका एम्प्लॉय ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब उसको रिस्पेक्ट दें, सब उसको क्या दें, रिस्पेक्ट दें. तो यहाँ पे एस्टीम नीड्स का मतलब है कि जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉय चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे रिस्पेक्ट मिले. अब रिस्पेक्ट जो है ये वाली जो बेसिक ये जो नीड है ये बेसिकली हमें हायर लेवल के एम्प्लॉयज में देखने को मिलती है. जो आपका हायर लेवल हाई पोस्ट पे जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी हाई पोस्ट है
वो ही चाहता है कि सब लोग मुझे क्या करें, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, अगर आप किसी पर्सन का प्रमोशन कर दो, उसका जो स्टेटस है, उसका जो स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ा दोगे तो उसकी पोस्ट जो है वो बड़ी बन जाएगी और सब लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे। उसके बाद जैसे ही एस्टीम नीड्स पूरी होती है, आपकी लास्ट नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कौन सी नीड आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये नीड ये बोलती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्सन आया था कोई भी एम लेके कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, मेरा ये एम है, मुझे ये बनना है, ऑर्गेनाइजेशन में जब वो पर्सन वो पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर लेता है, वहाँ पे उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन जो भी बनना चाहता था अब वो बन चुका है, वो अपनी सारी नीड्स पूरी कर चुका है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, जो जो वो बनना चाहता था वो बन चुका है, अब वो क्या हो गया है? सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेस्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी दी है मोटिवेशन के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि भाई आपका जो एम्प्लॉई है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसकी बेसिक नीड्स ये वाली होती है, ये वाली उसकी क्या होती है? बेसिक नीड्स। जैसे वो एक नीड पूरी करता है वैसे वो दूसरी नीड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो पहली आती फिजियोलॉजिकल नीड, जहाँ पे उसे ये तीन बेसिक नेसेसिटीज की जो चीज़ें हैं ये पूरी करनी है। जैसे ही वो ये कर लेता है फुलफिल, उसके बाद वो ये चाहता है कि फ्यूचर में भी मेरी जॉब सिक्योर रहे, और उसके बाद वो चाहता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में उसको जाने, उसके फ्रेंड्स बने, उसके बाद जो रिस्पेक्ट दे, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइज, वो जो बनना चाहता था वो ऑर्गेनाइजेशन में बन चुका है, जो उसका एम था वो एम पूरा हो चुका है। ये थी आपकी मेस्लोज़ नीड हायरार्की।